इस आदमी को आपने इस कदर ला छोड़ा कि हमारे खाप चौधरी को चाचा ताऊ कहकर बुलाने के लिए कह रहा है। इसका गुमान आपने तोड़ा है, आपने दिल्ली पुलिस का गुमान तोड़ा है। जो जांच की बात नहीं कर रही थी उसको जांच में बुलाना पड़ा। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, यह लड़ाई अगर यहां से हार गए, यह लड़ाई अगर यहां से कमजोरी से लड़ी गई, इस देश में कभी कोई भाई कलाई पे राखी नहीं बांध पाएगा। अगर यह लड़ाई कमजोर तरीके से लड़ाई गई तो इस देश में कोई भाई कभी हाथ में राखी की प्लेट नहीं थमा पाएगा। इसीलिए लड़ाई आपको जोर शोर से लड़नी होगी और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बीच रस्ते की लोग बात करते हैं, मैंने हमेशा कहा किसान आंदोलन छोटा आंदोलन था, इसीलिए छोटा था क्योंकि वो नीतियों का विरोध था। आपने 3 बिल पेश किए, हमें उनसे विरोध है, सहमत नहीं है। इस देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट पर आंदोलन हुआ, वो नीतियों का आंदोलन था, आपके बिल से हम सहमत नहीं है। ये मेरी बेटियों के सम्मान का आंदोलन है, वक्त चाहे जो हो हम यहां से फैसला करके उठेंगे, गिरफ्तारी करवा करके उठेंगे। मेरी आपसे भी गुजारिश है, लोग कहते हैं कि दूसरा पड़ाव क्या होगा, दूसरे पड़ाव का जिक्र कल चंद्रशेखर जी ने किया था। जब आंदोलन पहले पड़ाव के बाद दूसरे में कूदता है तो सरकार को बता देना चाहता हूं इसी मंच से, किसान आंदोलन का दूसरा ही पड़ाव था जब आपने ट्रैक्टरों के सामने गड्ढे खोद दिए और हमारे ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर बनकर के दिल्ली आकर के खड़े हो गए, लेकिन गड्ढों से रुके नहीं। इस आंदोलन का दूसरा पड़ाव होगा कि आकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर खड़े द्वारपाल को इस देश की महिलाएं पूछेगी कि वो साक्षी मलिक कैसे बदल गई, जिसके लिए कल खाना तैयार था आज गेट बंद है। ये सवाल इस देश की महिलाएं पूछने सड़कों पर निकलेगी, ये दूसरा पड़ाव होगा। ये आंदोलन गांव गांव पहुंचेगा, घर घर पहुंचेगा। और एक बात जान लीजिए, न्याय की बात, बिचौलियापन की बात इज्जतों पे नहीं होती। इज्जतों पे दो ही विकल्प होता है, या तो जान से चले जाएंगे या न्याय पा जाएंगे। क्योंकि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि इतने दिनों बाद आवाज क्यों उठाई, अगर आज इसका आवाज का इंसाफ नहीं हुआ तो बच्चिया ये कहेगी कि ये राजनेता तो बहुत बड़े हो, इनका ना बिगड़ता कभी कुछ, एक आंदोलन पहले भी हुआ था उस मना ब्रजभूषण का बिगड़ा था। यह संदेश नहीं देना है।